अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा थर्ड पार्सल मुझे रिसीव हो गया है। पहले दो पार्सल की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इस दफ़ा मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा बिल्कुल हिम्मत नहीं है बाज़ारों में जाने की। रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये सफ़ायर का ओरिजिनल था, ये मैंने आउटलेट से ये मैंने किया है, मंगवाया है ये वाला। तो ये ओरिजिनल था, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है, स्टफ़ कैसा है। ये लॉन का 3 पीस है, प्रिंटेड, जस्ट प्रिंटेड। ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, रेप्लिका नहीं है, कॉपी नहीं है, 100% ओरिजिनल है। 100x100 की लॉन है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। और सफ़ायर का ये होता है कि उसमें लाइट लाइट से कलर होते हैं। ये लाइट सा कलर मैंने बाय किया था, बेसिकली ईद के लिए बाय किया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये इस तरह की इसकी पैकिंग है, यहाँ ऐसी पैकिंग निकला है। ये ओरिजिनल ड्रेसेस की आप देख सकते हैं, इसका कितना सॉफ्ट सा, इसका जो कवर है वो सॉफ्ट सा है। ये है, और ये 3500 का मैंने लिया है ये वाला ड्रेस। ये आप देख सकते हैं, ये 100x100 की लॉन है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें ये कि मॉडल पिक्चर नहीं है, उन्होंने मॉडल पिक्चर इसमें नहीं भेजी, और मुझे नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि ये अंदर हो, लेकिन ये मुझे मॉडल पिक्चर नहीं नज़र आ रही। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी लॉन कैसी है। और ओरिजिनल जो ड्रेसेस हैं वो आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ ओरिजिनल ड्रेसेस। हम लोगों ने हमेशा रेप्लिका और कॉपी ही पहने, फ़र्स्ट कॉपी, लेकिन ये फ़र्स्ट कॉपी नहीं है। मैंने एक पहले भी जो फ़र्स्ट आप लोगों को दिखाया था अपना पार्सल, वो भी ओरिजिनल था, और ये तो बिल्कुल 100x100 है। वो 9070 की आई थिंक लॉन थी, और ये 100x100 की लॉन है। जी, मैंने पैकिंग से निकाल लिया। ये थी इसकी पैकिंग, सफ़ायर ओरिजिनल। थिंक क्लीन गो ग्रीन, अच्छी पैकिंग दी हुई है इन्होंने। और ये है इसकी लॉन, 100x100 की लॉन, और डिजिटल प्रिंटिंग बहुत खूबसूरत हुई हुई है। इतना सॉफ्ट कपड़ा है, और ये देखें, एयरजेट क्वालिटी इसकी देखें, कैसी खूबसूरत एयरजेट क्वालिटी है। ये मुझे नहीं पता था कि ये जिसमें हो वो बिल्कुल ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हम लोग पहले समझते थे कि ये जो साइडों से ये जो धागे निकले हुए होते हैं, ये कपड़ा ख़राब होता है, लेकिन अब मुझे पता चला है जब से मैं ऑनलाइन कपड़े बाय करना शुरू हुई हूँ, तो मुझे ये पता चला है कि ये जो है ये ओरिजिनल कपड़ों की ये पहचान होती है, ये वाली जो धारी होती है। ये इसमें जितने भी कलर दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है। ये आप लोग देख सकते हैं करीब से मैं दिखाऊं। ये देखिए, बिल्कुल डिजिटल प्रिंटिंग, ऐसा लगता है पेंट हुआ हुआ है। जितने भी कलर हैं सारे बहुत फ्रेश कलर हैं, बहुत फ्रेश। ये ग्रीन बहुत फ्रेश कलर है, लेकिन यहाँ पे वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं इतना फ्रेश आ रहा। ये आई थिंक दुपट्टा है। ये इसका ट्राउज़र, मस्टर्ड सा इन्होंने ट्राउज़र दिया हुआ है। और ये शर्ट पीस मैं आपको अब ओपन करके क्लियर दिखाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा दुपट्टा है और कौन सी शर्ट है। ये है इसका दुपट्टा, ये इसका बॉर्डर है, और ये दुपट्टे पे ये सफ़ायर की स्टैम्प आप देख सकते हैं। और एक और बात जो मुझे ऑनलाइन कपड़े ख़रीदने की वजह से पता चली है कि सिर्फ दुपट्टों पे, ओरिजिनल दुपट्टों पे जो ब्रांड की स्टैम्प होती है, वैसे ब्रांड की स्टैम्प नहीं होती कपड़ों पे। ओरिजिनल ड्रेस हो तभी दुपट्टे पे ब्रांड की, वैसे शर्ट पे तो हर कोई फेक ब्रांड की स्टैम्प लगा लेता है। तो इस तरह का ये बीच का बॉर्डर है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत। यहाँ पे ये आपको वीडियो में ये कच्चा कच्चा कलर सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मस्टर्ड कलर है। करीब से अगर दिखाऊं, ये कलर है, ये बड़ा कलर, इससे भी थोड़ा डार्क कलर है।
शायद मेरे मोबाइल के कलर्स जो हैं वो सेट नहीं हुए हुए। बहुत ठंडा गर्मियों में, और इतना लाइट वेट कपड़ा है, इतना लाइट, बहुत लाइट वेट, मैं पूरा पकड़ के ना ऐसे हाथ में पकड़ लूँ, इतना लाइट वेट सा ड्रेस है। और इसके किनारे भी, ये दुपट्टे के किनारे भी एयर जट है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्राउज़र। ट्राउज़र की क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये भी सेम वही चीज़ है, 100x100 की लॉन, और इसकी क्वालिटी का यहाँ से आपको पता चलेगा, ये भी एयर जट है। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ों में ट्राउज़र हमेशा हल्के होते हैं, कमीज़ ठीक होती है, किसी में दुपट्टे हल्के होते हैं, लेकिन ये ब्रांड का ये होता है कि ये तीनों चीज़ें 100x100 बहुत खूबसूरत होती हैं। इसकी तीनों चीज़ें, ट्राउज़र की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जी मैं एक आपको लेके दिखा देती हूँ हाथ में, ये है ट्राउज़र की क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में से नज़र आएगा, हालांकि ब्रांड की शर्ट और दुपट्टे जो होते हैं वो काफ़ी वो हल्के होते हैं, मतलब कि उनमें से नज़र आता है, लेकिन इनके जो ट्राउज़र होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत शाइन वाले कपड़े होते हैं। अब थर्ड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है इसकी शर्ट, ये शर्ट है इसकी, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। जितना खोलते जाओ उतना दिल खुश होता जाता है, इतने अच्छे कलर्स हैं, सारे लाइट कलर। और ये एयर जट है, 100x100 की लॉन है ये, ये बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट। मैं इसको पूरा खोल के आप लोगों को शो करती हूँ कि ये इसका फ्रंट और बैक कैसा है। और ये जो इन्होंने दिया हुआ है ये सेफायर की स्टैम्प है, और ये इन्होंने कोड मेंशन किया हुआ है कि आप लोग गूगल से चेक कर लें। आउटलेट पे ये अभी इस वक्त ये 4500 का है, लेकिन मुझे डिस्काउंट में 35 का मिला है। अच्छा मैं आपको इसके बाजुओं की सबसे खूबसूरत बात बताऊँ, इसका एक बाजू है ये है, ये फुल प्रिंट में है, तकरीबन तमाम ऑल ओवर प्रिंट है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट बाजू चेक करवाती हूँ, ये जितने भी हैं आजकल डिज़ाइन, मैंने मॉडल पिक्चर्स पीछे देखी थी, ये ऐसे आए हुए, ये इसका नेक्स्ट बाजू है ये। और शर्ट का भी एक पल्लू प्रिंट है, और हाफ पल्लू जो वो प्रिंट नहीं है उसके साथ ये वाला जुटेगा, और प्रिंटेड के साथ वो प्रिंटेड वो डिस्पैच हो जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ मुझे थोड़ी न्यू लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये अलग से बता दूं। ये है इसका बैक, बहुत खूबसूरत प्रिंटिंग, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत ही अच्छा कपड़ा। ये देखिए कैसे इसके प्रिंट्स हुए हैं, ये मैं आपको तकरीबन सारा रिव्यू दूंगी श्रिंक करके, इसका तो मुझे 100% पता है, कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं उतरना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आउटलेट से बाय किया हुआ है फैसलाबाद से। बेटा ये उठाओ यहाँ से। तो ये है इसकी बैक, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसका फ्रंट। ये है इसका फ्रंट, बॉर्डर आप देखे कितने खूबसूरत बने हुए हैं, कितने खूबसूरत कलर्स हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ग्रीन कलर इतना फ्रेश है, लेकिन इसमें ऐसे आ रहा है जैसे लाइट सा ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। और ये जो मैंने बताया था शर्ट की एक साइड जो उन्होंने दी हुई है वाइट दी हुई है, और एक साइड प्रिंटेड है ग्रीन में, तो ऐसे बाजू भी ऐसे ही हैं। उसके साथ जो है वो
बाजू हम जोड़ेंगे सादा, जिसमें सादा आया हुआ है, और इसके साथ हम प्रिंटिंग जोड़ेंगे। ये जब मैं आपको सिलाई करूँगी तो मैं आपको ज़रूर रिव्यू दूँगी। और ये साइड के पैचेस हैं, ये आप उतार के यहाँ से ये साइड के पैचेस लगा सकते हैं। इस साइड नहीं है, लेकिन उस साइड उन्होंने वो साइड के पैचेस दिए हुए हैं कि वो बाजुओं पे लगाओ या जिधर मर्जी या लगाओ। और ये पूरे 3 मीटर की शर्ट है, 3 मीटर की, इतना खुला कपड़ा, आप अंदाज़ा खुद लगाएं वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना खुला कपड़ा है। 3 मीटर की शर्ट होती है और इसमें 2.5 मीटर का ट्राउज़र होता है और 3 मीटर का दुपट्टा होता है ब्रांड के ड्रेसेस में। और मुझे लगता है मुझे अपना दुपट्टा भी है थोड़ा सा जो छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने बड़े दुपट्टे कर नहीं सकती। तो ये था रिव्यू मेरे ड्रेस का, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा अगला पार्सल भी आ चुका है, चौथा पार्सल जो मैंने ईद के दिन के लिए बनाया, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसा। मैंने ब्लैक कलर बाय किया था, जट ब्लैक कलर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये था मेरा ड्रेस, ये थी मेरी शॉपिंग, ईद की शॉपिंग। और इस दफ़ा मैं बिल्कुल मार्केट नहीं गई, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो घर बैठ के ही ऐसे कपड़े बाय कर लेना और अच्छे कपड़े बाय कर लेना। ये डायरेक्ट मैंने फैसलाबाद से बाय किए हैं इस दफ़ा, तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस दफ़ा ऑनलाइन डीलर्स के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपको इनको श्रिंक करके दिखाती हूँ, जो एक प्रोसेस होता है मेरा, अब श्रिंक करके दिखाती हूँ कि आप लोगों की तसल्ली के लिए कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये श्रिंक कर दिया हमने ये दोनों को, ये ट्राउज़र को अलग में श्रिंक किया, और ये जो इसकी शर्ट है वो ऑल ओवर को अलग में श्रिंक किया। अब आधे घंटे बाद रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है जी। इसको 1 घंटा गुजर चुका है श्रिंक किए हुए मुझे, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट है इसका। तो बिल्कुल अच्छे, देखें पानी इसका भी कोई कलर नहीं निकला, इसका भी कोई कलर नहीं उतरा। तो ये था रिव्यू। अब जब ये मैं इनको सुखा लूँगी, जब ये सूख जाएंगे तो मैं आपको लास्ट रिव्यू इनका दूँगी। तो ये रिज़ल्ट है श्रिंक करने के बाद, ये देख सकते हैं कपड़ा मज़ीद सॉफ्ट और मज़ीद अच्छा हो गया है, और कलर मज़ीद खिल गए हैं। ये हैं सारे कलर्स, और ये ट्राउज़र का शाइन बिल्कुल वैसी की वैसी है, ये देख सकते हैं, और बिल्कुल कलर तो हिला भी नहीं है, बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा कपड़ा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू इस ड्रेस का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।